कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार में हिंदू राष्ट्र का नारा जब से लगाया उनके विरोधी तमतमाए। सनातन की ललकार देखकर कराची से भारत तक कट्टरपंथी गैंग की होलिका जलने लगी है। कैसा होगा बाबा का हिंदू राष्ट्र? ब्लूप्रिंट तैयार। कायदे में रहेंगे तो फायदे में। महादेव की नगरी से हिंदू राष्ट्र का आरंभ। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। काशी से कराची तक हिंदू राष्ट्र का बढ़ रहा परचा। अगर आप लोग ऐसे ही ताकत देते रहेंगे तो हम सनातन का झंडा लेकर भारत तो भारत, अब हम क्या कहते हैं चादर वालों के देश में भी गाड़ कर। 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। कब पूरी होगी बागेश्वर बाबा की कसम? कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। दिव्य दरबार में हिंदू राष्ट्र का पूरा खाका। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तू? टीवी पर पहली बार बाबा का मैनिफेस्टो तैयार। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? बाबा की सेना ने किया हिंदू राष्ट्र का शंखनाद। देखो हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बाबा के दिव्य दरबार की गूंज अब महादेव की नगरी भी पहुंच गई है। काशी में गंगा किनारे हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लगा दिए गए हैं। बाबा बागेश्वर की ये हिंदू राष्ट्र की सेना है जो किसी भी कीमत पर बाबा के सपने को पूरा करने का प्रण ले चुकी है। 80 घाट से लेकर वाराणसी के कोने कोने में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर देखकर पुलिस हरकत में आई। देखो गांव गांव रैलियां निकलने लगी, जहां देखो युवान बच्चे युवान बहने हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे, अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। हम तमाचा मारते रहेंगे। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या काशी के कोतवाल की नगरी से ही हिंदू राष्ट्र का अलख जगने वाला है? इससे पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में आचमन किया था और पवित्र नगरी में स्नान कर हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ की शुरुआत की थी। समूचे भारतवर्ष के साधु संत और बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों के साथ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। अब तक हर कोई बाबा से पूछता आया है कि उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, क्या इसका कोई खाका तैयार हुआ है? इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाल में ही उनके महायज्ञ की जगह पर ही पोस्टर से साबित हो गया कि बाबा ने किस तरह के हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है। आप भी देखिए कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की पूरी रूपरेखा क्या है। बाबा बागेश्वर के अनुसार एक ऐसा सनातनी देश होगा जहां प्रभु श्री राम राज्य जैसी व्यवस्था हो, यानी राम राज्य हो, जहां न जाति न पंथ हो, न किसी तरह का भेदभाव हो। इस राष्ट्र में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा और गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होंगी। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि उनके सपने वाले राष्ट्र में तीर्थ स्थलों का सम्मान होगा और ऐसी व्यवस्था हो कि आराध्य देवी देवताओं को अपनी जमीन के लिए सबूत न देना पड़े, जहाँ साधु संतों का सम्मान हो। आप
अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो उसका, और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बात है, खंड विखंड की बात है, हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर झंडा बुलंद करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बागेश्वर बाबा पिछले कई महीनों से दरबार लगा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तीन शब्दों की गूंज सुनाई नहीं देती, हिंदू, हिंदू राष्ट्र और सनातन की रक्षा। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर का दरबार भक्तों से पटा पड़ा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पिछले कई महीनों से सनातन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाबा बागेश्वर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ के बीच बाबा दरबार लगा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए समूचे भारत वर्ष के भक्त, देश विदेशों के भक्त आ रहे हैं। जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर बाबा बागेश्वर एकदम से चर्चा में आए, उसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में आवाज बुलंद होनी भी शुरू हो गई है। धर्म गुरु से लेकर नेता और सड़क से लेकर आम जनता, हर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की आवाज को जनता तक पहुंचा रहा है। क्योंकि बाबा सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सर्व धर्म की बात कह रहे हैं। बाबा बराबर ये कहते दिखाई देते हैं, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से समरसता आएगी, जाति धर्म से बाहर निकलेंगे। बागेश्वर बाबा के बयान यहीं तक सीमित नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर अपना नजरिया पेश करने के बाद बाबा ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। बाबा का कहना है कि जल्द पाकिस्तान का भारत में विलय होने वाला है, जिसके बाद बाबा के भक्तों में एक अलग तरह का जोश भर गया। बागेश्वर सरकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के महासंकल्प से घबराए कई लोगों ने तो बाबा का पुरजोर विरोध भी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर बाबा की बातों को देश के खिलाफ खतरा बताया। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंट कहा है। रामचरितमानस विरोधी समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम कभी हिंदू राष्ट्र की बात को बोल नहीं करेगा। ये जो बात कर रहे हैं, या तो सनातन धर्म अपनाओ या पाकिस्तान जाओ, तो उनको क्या आगे इस बात का कहने का, और क्यों मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है और मुसलमानों से अपील करेगा कि ऐसे साधु संतों के प्रोग्राम में शामिल ना हो। लेकिन ये सोच अकेले मोहम्मद शरीफ की नहीं, बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी सुन लीजिए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहाँ जा कर के उनके कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने, इससे ईमान कमज़ोर होगा। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। बाबा के विरोधियों ने भी गैंग बनाकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के अनुष्ठान के खिलाफ नफरती जुबान वाले अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कस्बाए हिंद का ख्वाब देखने वाले हिंदू राष्ट्र के नए टारगेट को देखकर तिल मिला रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? तब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या आप?
हिंदुत्व में गहरी आस्था रखने वाले वर्ग में बाबा सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। आप समझिए कि बाबा बागेश्वर ने कितनी जल्दी संतों से लेकर सियासत तक के बड़े चेहरों को अपने साथ ले लिया है। राजनीतिक दल हूँ या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। बाबा के दरबार में बड़े नेताओं की हाजिरी लग रही है और सभी हिंदू राष्ट्र के अभियान में उन्हें समर्थन दे रहे हैं।